हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर। हेलो बच्चों, एक और नया क्वेश्चन लेके आए हैं इंटीग्रेशन चैप्टर से आपके लिए। देखने में मुश्किल, करने में बड़ा आसान। ठीक है, चलिए। तो आपका है साथ, तो डरने की क्या बात। ठीक है, बहुत आसान है क्वेश्चन। आपका साथ, मेरा छोड़ो, आपका साथ। आपका साथ होगा तब आपको समझेगा क्वेश्चन। ठीक है, दिल से देखो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को हराना, यानी इसे सॉल्व करना। ठीक है, e का पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस x अपॉन cos स्क्वायर x इनटू e का पावर x dx। ठीक है, अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो यही है। सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, करके देखो। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले का डेरिवेटिव, सॉरी पहला वैसे का वैसा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे के वैसा पहले का डेरिवेटिव। आगे आंसर, चलो देखो बता रहा हूँ। चलिए करके देखना पड़ता है बेटा, अप्रोच बिल्ड करना जरूरी है। ठीक है, मैथ्स में अप्रोच, अप्रोच इज एवरीथिंग। इसीलिए बोलता हूँ डिफरेंशिएशन अच्छे से करो तभी ये समझेगा। ठीक है, चलो लेक्चर ऑलरेडी मैंने डाले, अगर आपने कहीं सीखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई डाउट है तो वापस से देख लो, मेरे नहीं किसी के भी देखो, लेकिन समझो। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होना जरूरी है। मार्च 2019 में आया है, 2 से 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हार्ड नहीं है, अच्छा है। ठीक है, चलो अब देखो। तो यहाँ से चालू करते हैं इंटीग्रेशन। आई इज इक्वल टू, सबसे पहले तो पुट टी इज इक्वल टू एक्स इंटू ई का पावर एक्स। ये तो आप करते डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो आपको ये मिलेगा। यहाँ फायदा ना मेरी बात, टी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वैसे क्या वैसा डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स ई एक्स। ठीक है, मैं करके बताऊंगे, चलो करके बताता। एक्स वैसे क्या वैसा डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर एक्स। ठीक है, प्लस आएगा बीच में e का पावर x, यानी वो वैसे का वैसा, और dx by dx। तो आप नहीं समझ पाए हो शायद, प्रोडक्ट रूल नहीं जानते होगे तो वो भी बता देता हूँ। देखो d dx जिसको आता है वो स्किप कर लेना, u into v जब होता है तो u वैसे का वैसा dv by dx। ठीक है, प्लस v वैसे का वैसा du by dx। याद करने के लिए ऐसा भी याद कर सकते, पहला वैसे का वैसा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे का वैसा पहले का डेरिवेटिव, ये गाने की तरह याद हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ गए, ये किया है मैंने। ठीक है, मैं आपके बिता नहीं रहा हूँ, इतना रख रहा हूँ। ठीक है, इतना लिखना नहीं होता वैसे एग्जाम में, डायरेक्टली करना होता है। तो ये x का पावर x इंटू ई का पावर x वैसे का वैसा, क्योंकि e का पावर x का डेरिवेटिव बेटा वही खुद आता है। ठीक है, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है, तो e का पावर x का e का पावर x ही आता है, देखो। ठीक है, चलो क्लियर। प्लस e का पावर x वैसे का वैसा dx by dx होता है 1, तो 1 क्यों लिखे बेटा, 1 तो हम जानते हैं कैसे होता है, भगवान की तरह वो, 1 इज गॉड। ठीक है, समझिए, चलो समझ गया ना। ठीक है, अब ये देखो, ये सेम टू सेम आपके पास बन गया। अरे सर अभी भी वैसे थोड़ी दिख रहा है, कुछ भी बोल रहे सर। हाँ चलो बनने दे, बन गया। देखो कैसे ईटी बाय डी एक्स, सॉरी डी एक्स इतना भूल गया। तो ये डी एक्स है ना, इसे इधर भेज दो। ठीक है, क्योंकि इसका काम इधर है। क्लियर, मैं थोड़ा सा इसे नीचे खींच ले दो। तो समझ गया, अब देखो ई का पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। देखो ई का पावर एक्स कॉमन, तो एक्स प्लस वन आया। ठीक है, चलो और यहाँ क्या आया, और 1+2 भी 3 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो आप जानते हो, फिर मैं बताना चाहता था। ठीक, चलो तो ये आ गया dt। लिखो इसे, क्या लिखो dt। तो यहाँ ध्यान देना, i इज इक्वल टू, ये पूरा dt बन गया, ये इतना। देखो ये भी डाइटिंग पे है, इंटीग्रेशन डीटी वाई क्वेश्चन करा था मैंने इससे पहले। ठीक है, वो भी ऐसे था, कॉस स्क्वायर इसका क्या आ गया वैल्यू, इसका वैल्यू आ गया टी, अभी मैंने इसे टी डाला। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी। ठीक है सर, बिल्कुल। अब यहाँ आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/cos² टी क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर टी, क्योंकि 1/cos θ इज इक्वल टू sec थीटा, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, पूरी कायनात जानती है। ठीक है सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा है, ये बात मारो क्वेश्चन करो। ठीक है, आई इज इक्वल टू sec स्क्वायर टी इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर टी, सर ये हम अच्छे से जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स है ना, क्या होता है tan x plus c। ठीक है सर, बिल्कुल, तो यहां लिखूंगा मैं tan t प्लस सी। ठीक है, प्लस सी नहीं, प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू, अब ये फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ, टी की वैल्यू क्या है, एक्स ई का पावर एक्स, एक्स इंटू ई का पावर एक्स। तो यहाँ मैं लिखूंगा टैन एक्स इंटू ई का पावर एक्स प्लस सी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है,
चलिए नोट कीजिए बच्चा, ठीक है, वन टू एंड थ्री, ठीक है, देखने में मुश्किल करने में बड़ा ही आसान, ठीक है, एक बार जरूर देखना क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, तब आपको बहुत काम में आएगा, ठीक है, सोचने के काम नहीं पड़ेगा, अगर अभी से प्रैक्टिस कर लो तो। मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।